हमारे देश में शादी करने के लिए कुछ चीजें मैंडेटरी है। पहला, लड़का लड़की का जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे पैसे अगर आपको कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, या फिर एक सर्टेन अमाउंट पैसा अगर आपको अपने हिसाब से शादी करना है, या फिर आप कोर्ट मैरिज पे भी जा सकते हैं जिसमें खर्चा सबसे कम है। और थर्ड पॉइंट है, लड़का कमाऊ होना चाहिए। जॉब या बिजनेस कुछ भी चलेगा, अगर आप अच्छा जॉब करते हैं या फिर बिजनेस में आपका अच्छा टर्नओवर है, तभी आपको अच्छी घर की अच्छी लड़की मिल पाएगी शादी करने के लिए। तो ये सब सुनने के बाद वेल्ला लोग पूछेगा, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग शादी नहीं करेंगे? भैया आप लोग भी शादी करोगे, अगर आपको शादी करना है या फिर अगर आपके घर में भी आपको पापा की पड़ी चाहिए, तो आपके पापा के पास भी मोटा पैसा रहना चाहिए, जो देख के पापा के पड़िया आपके घर में आने के लिए राजी हो सकते हैं। हर बार तुम्हारी सुई जॉब पे आके क्यों अटक जाती है यार? तुम्हारे जितने साथ वाले थे कहाँ कहाँ पहुँच गए? तो ये बात तो क्लियर है, शादी के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है पैसा। बट एक कॉमन क्वेश्चन जो सालों से हम लोग को कंफ्यूज करने का कोशिश करता है, वो है बिजनेसमैन लड़का अच्छा है या फिर जो लड़का जॉब करता है वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है आपका ये जो आंसर है इसका सोल्यूशन ढूंढने। मोस्ट ऑफ द इंडियन अपना जो करियर है वो अपना स्कूल में ही चूज कर लेते। आप 10th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड में जो सब्जेक्ट चूज करते हैं, आगे जाके वही सब्जेक्ट से रिलेटेड करियर आप लेना पसंद करते हैं। मगर आगे जाके अगर आपके लाइफ में ऑप्शन आए कि जॉब या बिजनेस में से कोई एक को चूज करना है, तो आप क्या करोगे? ये आंसर ढूंढने के लिए आपको कुछ की पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, और आगे जाके यही की पॉइंट्स आपका ये जो चॉइस है ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा। पहला, इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और आपका जो टाइम है वो भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर बिजनेस प्लानिंग, आपका बिजनेस का सेटअप, आपका बिजनेस का प्रॉपर्टी डिसाइड करने में, आगे जो डॉक्यूमेंटेशन है, एम्प्लॉय हायरिंग करने में। ऑन द अदर साइड, जब तक बिजनेस में एक अच्छा फ्लो नहीं आ जाता है, तब तक आपका जो टाइम शेड्यूल है उसमें से ज़्यादातर टाइम आपको बिजनेस में ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। विदाउट एनी प्रॉफिट, जस्ट एक आइडिया को बेस करके अपना सारा पैसा उनमें इन्वेस्ट करना, उसके बाद उस आइडिया के साथ स्टिक रहना और अपना मोर देन 100% प्रोवाइड करना। एक कंपनी खड़ा करना और एक बिजनेस को सक्सेसफुल करना इतना इजी नहीं है। अगर आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाता है तब बहुत अच्छी बात है, मगर नया स्टार्टअप में इन्वेस्टर मिलना इतना इजी नहीं होता है। आई एम नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट, आई एम आउट। नमस्ते, बहुत बढ़िया आपसे मिलकर लगा, थैंक यू, बाय बाय। ऑन द अदर साइड, जॉब सर्च करना एक स्मॉलर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ आपको इंस्टेंट जो पैसा है एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। आपका जो पैसा है वो मेनली जो इन्वेस्ट होता है वो होता है पास्ट में आपका एडुकेशन के लिए, जो आपको एक बेटर जॉब ढूंढने में हेल्प करता है। कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट गेन करने से बहुत पहले आप जॉब करके अपना जो सैलरी है वो अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो और उस बिजनेस को आगे सक्सेसफुली रन कर सकते हो, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको प्रॉफिट दिखता है। ऑन द अदर साइड, अगर आप कुछ साल जॉब करते हो तो आपका जो कंपनी है वो आपको हाइक प्रोवाइड करता है, या फिर अगर आप चाहो तो आप जॉब स्विच करके डिफरेंट कंपनीज में जाके अपना सैलरी हाइक कर सकते हो, अपना पोजीशन भी हाइक कर सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट होगा। जॉब में एटलीस्ट गारंटी है कि हर महीने आपको पैसा जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑन द अदर साइड, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको हर महीने आपका जो एम्प्लॉय है उन लोग के अकाउंट में सैलरी जो है एग्जैक्ट टाइम में क्रेडिट करना होता है। तो ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फुलफिल करना होता है एग्जैक्ट टाइम में। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। कोई भी बिजनेस का ओनर होने के लिए आपको एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड, अगर आप जॉब ढूंढने जाते हो तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पिलर बन के आगे खड़ा हो जाता है कि आपका जो सैलरी है वो डिसाइड करने के लिए। जैसे हर जॉब के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ज़रूरत होता है, वैसे ही अगर आपको सक्सेसफुली बिजनेस रन करना है तो उस बिजनेस रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपके लिए मैंडेटरी है। कह सकते हैं जॉब के लिए क्वालिफिकेशन और बिजनेस के लिए प्रॉपर फील्ड में नॉलेज इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है अपने आप के लिए टाइम। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करते हो तो इनिशियल डेज में आप अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो आपका बेबी है,
आप बचपन में अपने बेबी को जितना टाइम दोगे आपका जो बेबी है वो उतना अच्छी तरह ग्रो करेगा और उसका जो फ्यूचर है उतना ब्राइट होगा। ऑन द अदर साइड जब आपका बेबी बड़ा हो जाता है तब आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने लिए टाइम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा साइड में जो जॉब करते हैं वो अगर चाहे तो अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो अपने तरफ से थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो टाइम होता है या फिर उनका जो रोस्टर होता है वो कंपनी का जो एचआर है या फिर जो क्लाइंट है या फिर कंपनीज का जो पॉलिसी है उस हिसाब से डिजाइन होता है, तो हर टाइम उन लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता है। ऑन द अदर साइड उन लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि ओवर टाइम करना और एक्स्ट्रा पैसा अर्न करना, जबकि अगर आप बिजनेस रन करते हो तो आपके पास हमेशा ये ऑप्शन नहीं रहता है कि अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो आप ज्यादा अर्न करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। अगर आप जॉब करते हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको सैलरी में हाइक मिलता है, ऑन द अदर साइड आपका प्रमोशन भी होता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आप जॉब स्विच करके डिफरेंट कंपनीज ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपका ग्रोथ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 साल का टाइम पीरियड को एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन माना जाता है फॉर जॉब स्विचिंग। ऑन द अदर साइड अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका जो ग्रोथ है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका जो मार्केट नॉलेज है या फिर मार्केट में जो अप्स एंड डाउन है उसके ऊपर। कोई भी बिजनेस इंस्टेंट ग्रो नहीं करता है। ऑन द अदर साइड अगर बिजनेस को ग्रो करना होता है तो उसमें काफी सारा टाइम काफी सारा नॉलेज इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो करता है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो आपका बिजनेस एग्जैक्ट कितना टाइम में कितना ग्रो होगा वो बता पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अथॉरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस जो जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये सब सुनने के बाद आप शायद बोलोगे भाई वो तो सब कुछ पता चल गया, व्हाट अबाउट द सोल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है वो पता चल गया, कौन सा पॉजिटिव पार्ट है कौन सा नेगेटिव पार्ट है वो भी क्लियर हो गया, मगर करूँ तो क्या करूँ, जॉब करूँ या फिर बिजनेस करूँ। तो मेरा आंसर है बोथ, मतलब जॉब भी कीजिए बिजनेस भी कीजिए। आप बोलेंगे भाई बोथ कैसे करूँ, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, दिन में 24 आवर्स है, उसमें फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है साथ ही साथ बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। सही है, मगर एक बार पूरा बात सुन लीजिए, उसके बाद आपका जो डिसीजन है वो आप खुद ही लेंगे और ये आपके लिए आगे जाके हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बचपन से आपके अंदर में कोई भी स्पेशल टैलेंट लाइक सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा जैसा नहीं है तो ये तो डिसाइड है, तो इन फ्यूचर जाके आपको जॉब या फिर बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो और आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा अच्छा रहा है तो आपका जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से स्टिक रहिए, आगे जाके उस सब्जेक्ट में आप नया ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाएंगे जिससे आपको एक बेटर करियर मिल सकता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको पढ़ाई लिखाई उतना अच्छा नहीं लगता है, आप में उतना कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब आपको एक ही चीज सीखना है दुनिया में, वो है SALE, मतलब बेचना। दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको बेचना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, और ये चीज आप जितना जल्दी सीख जाएंगे वो आगे जाके आपके लाइफ में आपको हेल्प करेगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके आप कोई बिजनेस सेटअप करें, अगर आपको बेचना आता है तो आप कुछ भी बेच पाएंगे, या फिर अगर आप जॉब में भी कहीं ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बेचना पड़ता है। तो अगर आप ये मूल मंत्र जो है सेल वो करना सीख जाते हो तो इन फ्यूचर जाके आपका भी फ्यूचर अच्छा बन सकता है। किसी किसी का फैमिली से प्रेशर रहता है कि जो फैमिली ट्रेडिशन है उसको कंटिन्यू करो, कम्प्लीटली चॉइस आपका है। अगर आपका फैमिली आपको जो सजेस्ट करते हैं वो आपको पसंद है और आप उसमें स्टिक रहना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। आप उसको और भी आगे बढ़ाओ और अपना जो ग्रोथ है उसमें ढूंढ लो। तो अब आते हैं मेरा आंसर पे, क्यों मैंने आपको बोला था कि दोनों करना चाहिए। मेरा अगर माने तो आपका जो कैरियर का स्टार्टिंग पॉइंट है उस स्टार्टिंग पॉइंट से एटलीस्ट 5 साल आपको जॉब करना चाहिए कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि उस टाइम में आप बहुत कुछ सीखते हो। आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म से लेकर नॉलेज, कैसे ऑफिस एथिकेट्स होता है या फिर ऑफिस में कैसे बिहेव किया जाता है, या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वो ग्रो होता है। ऑन द अदर साइड यही नेटवर्क अगर आप इन फ्यूचर बिजनेस में कन्वर्ट करते हो तो आपको हेल्प करता है जिंदगी भर। इसीलिए एटलीस्ट आपका जो करियर का पहला 5 साल है उसमें आप जॉब कीजिए, अगर आप चाहे तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए और वहाँ से सीखिए, और वही सीखने के बाद जब आप इनफ कॉन्फिडेंट हो, जब आपके पास इनफ फंड्स रहे
तब आप जाके अपना जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इससे जाके आपका जो पुराना नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगा और आपका जो बिजनेस है वो और भी फास्ट ग्रो करेगा। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको वो नॉलेज नहीं दे सकते है जो आप जॉब से अर्न कर सकते हो। ऑन द अदर साइड, आप जॉब से जो नॉलेज अर्न करते हो वही नॉलेज हर टाइम आपको इन फ्यूचर जाके आपके लाइफ में हेल्प करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप दोनों कीजिए, पहले आपका लाइफ का जो पार्ट है उसमें आप जॉब कीजिए और उसके बाद जब आपको ठीक लगे आप स्विच करके आप अपना जो बिजनेस है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद भी कुछ बंदे हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में क्या करना है। भाई, सबसे जो मेन चीज़ है वो है टाइम। अगर आपके पास टाइम है उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि एक बार अगर टाइम चल जाता है वो टाइम वापस नहीं आएगा। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिविटी देखना सीखिए और वही पॉजिटिव वे में अपने लाइफ को ले जाइए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आगे जाके हम लोग जैसा जो क्रिएटर है उन लोगों को भी कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।